मनोवमंगदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर नमो सुदके वली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव का समय सार परमागम आत्मख्याति टीका परिशिष्ट, और ये अब ग्रंथ का टीका का उपसंहार भी है। 278 कलश है कुल मिलाकर के, और अपन 274 तक चल रहे हैं। कल दो बार अपन ने 272, 273, 274 इन तीनों कलशों का पाठ किया था दो बार, इसलिए अब अपन पाठ करेंगे तो थोड़ा और शुद्धता के साथ अच्छा पाठ कर सकेंगे। इनको पाठ करते हुए जैसे कभी कोई अपनी प्रशंसा कर रहा हो तो दादा की भाषा में कहे तो ये कहते हैं ना, गलगलियाँ छूटती हैं अंदर से, कुछ कुछ होता है। आत्मा के संदर्भ में यहाँ प्रशंसा की जा रही है तो सचमुच में वैसे ही गलगलियाँ छूटनी चाहिए अंदर से, ये मेरी बात है। अद्भुत वैभव, जिसकी जो धन वाला होता है उसके धन के वैभव की प्रशंसा की जाती है, विशेष बुद्धि वाला होता है उसके बुद्धि की प्रशंसा की जाती है, शारीरिक शक्ति कोई उसकी कलाएं हो उसकी प्रशंसा की जाती, वो उसका अपना अपना वैभव ही है एक तरह से, वो उसकी अपनी संपत्ति है तो उसकी प्रशंसा करने पर वह प्रसन्न होता ही है। अद्भुतात अद्भुत, इसमें तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी किसी को ये कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी शरारत भी करता है, और इसकी शरारत को थोड़ा सा गौन करो तो ये बहुत अच्छा है, ये दुष्ट है लेकिन अच्छा है। उस अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की प्रशंसा करते करते कदाचित उसे दुष्ट भी कहा जा रहा हो, शरारती भी कहा जा रहा हो, और जो कुछ भी बुराई भी की जा रही हो, वो उसके वो बुराई में भी उसे अच्छा लगता है, वो बुरा नहीं लगता उसे। ऐसे यहाँ पर्याय की ओर से देखकर वर्तमान परिस्थिति से जो कथन किया जा रहा है उससे भी ये भी अद्भुत है। कहते ये सब होते हुए भी दूसरी तरफ से मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है, पर्याय में ऐसी स्थिति होते हुए भी द्रव्य स्वभाव ऐसा है, ये अद्भुत से अद्भुत बात है। तो ये सभी बातों को दृष्टि में लेते हुए अपने अंदर उसी तरह से अंतिम चरण 274 का अंतिम पंक्ति है ना, स्वभाव महिमा आत्मनः विजयते अद्भुतात अद्भुतः, ये भाव लेते हुए कलश पद्यानुवाद का अपन पाठ करते हैं। बोलिए। क्वचित् लसति मे चकम् क्वचिन् मे चकामे चकम् क्वचित् पुनर्मे चकम् सहजमेव तत्त्वं मम तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः परस्पर सुसंगत प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत इतो गतम अनेकताम दधतितः सदापेकता मितः क्षण विभंगुरम ध्रुवम मितः सदैवोदय इतः परम विस्तृतम धृतम इतः प्रदेशैर्निजै रहो सहज आत्मनस्तदिदं अद्भुतं वैभवं।
कषाय कलेरे कता स्खलति शांतिरस्ते कतो भवोपहतिर एकता स्पृशति मुक्तिरप्येकता जगत्त्रितयमेकता स्फुरति चच्चकास्ते कता स्वभावमहिमात्मनो विजयते अद्भुताद्वद्भुता। बोले पद्यानुवाद, शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तार मई है। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, जिसे देख कर चकित जगत जन ज्ञानी होते। एक ओर से शांत मुक्त चिन्मात्र दीखता, अन्य ओर से भव भव पीड़ित राग द्वेष में। तीन लोक में भासित होता विविध नयों से, ओ आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो। 273वें कलश में जो दो पक्ष लिए, तीन पंक्तियों में अलग अलग लिए। इतोगतम अनेकताम दधत इतः सदाप्येकता, इतः क्षण विभुंगरम, इतः ध्रुवम सदैवोदयात। ऐसे तीन पक्ष अलग अलग लिए, और पद्यानुवाद में द्रव्य स्वभाव वाला पक्ष एक साथ लिया, पर्याय स्वभाव वाला पक्ष एक साथ लिया। एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव, ये द्रव्य स्वभाव से, और पर्याय स्वभाव से देखे तो अन्य ओर से पर्याय दृष्टि से नेक, नेक माने अच्छा आदमी, ये नेक इंसान है, वो नेक अनेक के लिए है। एक अक्षर बढ़ जाता इसलिए अनेक को नेक कर दिया। वैसे नेक का मतलब भी अनेक ही होता है, न एक कहा, वो अनेक ही हो जाता है। तो अनेक है, क्षणिक है और विस्तारमयी है, ये दोनों एक साथ ले लिए। बनारसीदास जी का भावानुवाद यहाँ तत्काल दिया हुआ है। एक एक छंद लेते हैं अपन, जिससे अर्थ स्पष्ट ख्याल में आता जाएगा। 272 वाले छंद का श्लोक का भावानुवाद बोलिए। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, कर्म कलंक सुरहित शुद्ध अंग, उभयने प्रवान सम काल शुद्धा शुद्ध रूप, ऐसो पर जाय धारी जीवनाना रंग। एक 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 क्षण लेते हैं। जो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं आत्मा की, यह स्यादवाद, ये एक साथ इस प्रकार की विचित्रता आत्मा वस्तु में है, ये स्यादवाद है, अनेकांत है। वस्तु स्वरूप में तो अनेकांत होता है, और उसका कथन स्यादवाद से होता है, और जानने वाले ज्ञान को भी स्यादवाद कहते हैं, श्रुत ज्ञान को भी स्यादवाद कहते हैं। एक श्लोक आता है ना, स्यादवाद केवल ज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने, भेद साक्षात साक्षात वस्तु अन्यतम भवेत। अने स्यादवाद केवल ज्ञान कह रहे वहाँ, तो केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही, वह स्यादवाद का अर्थ श्रुत ज्ञान है। तो स्यादवाद कथन रूप भी है, ज्ञान रूप भी है। और जब वस्तु रूप की बात करते हैं तो वहाँ कहेंगे अनेकांतात्मक, वो उसका स्यादवादपना है। तो ये जो त्रिरूपता की बात कर रहे हैं, ये कह रही है स्यादवाद,
और ये जो अनेकांतिक ऐसी विचित्र वस्तु की स्थिति है, या को भेद स्यादवादी जाने, ये रहस्य है कि ऐसी विचित्रता एक दूसरे के विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध, और एक वस्तु में है, कि ये सहज रहस्य है वस्तु का, और ये रहस्य स्यादवादी ही जानते हैं, भेद स्यादवादी जाने, मूरख न माने, जाको हियो दृग भंग है, जिसके हृदय में क्या है, दृग भंग है, दृग भंग माने, इधर अनुवाद में देखा 272 वाले का पद्यानुवाद में, दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है, दृष्टिवंत को, तो दृष्टिवंत, दृष्टिवंत माने सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि माने जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र भगवान ने ये जो स्वरूप कहा है, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है, ये तो जिनेन्द्र भगवान की वचनों की तरफ से बात की, कि जिन वच में शंका न धार, तो अकेले वचनों से नहीं है, वचनों में जैसा वस्तु स्वरूप कहा है उसकी दृष्टि में भी आया है, तो उसे दृष्टि में आया, उसे यथावत स्वीकार करेगा, तो वहां जाकर के अपन ये कहेंगे, रत्नकरण श्रावकाचार में निशंकित अंग में किसमें, इदमेव इद्रशमेव तत्त्वम नान्यत् न चान्यथा इत्यकंपाय साम्बोवत् सन्मार्गे संशारुच, वो वहाँ भी सन्मार्गी लिख रहे हैं, लेकिन इदमेव इद्रशमेव तत्त्वम नान्यत् न चान्यथा, मेरा आत्म तत्व ऐसा ही है, ऐसा जिन्हें इत्यकंपाय साम्भवत, बिल्कुल तलवार की धार की तरह जिन्हें श्रद्धान हुआ है, वे सम्यक दृष्टि के लिए, वे दृष्टिवंत तो विमोहित नहीं होते, परंतु मूरख न माने जाको ही ये दृग भंग है, जो दृष्टि जिनकी भंग है, भ्रष्ट है, दंशन भट्टा दर्शन से जो भ्रष्ट है, ये श्रद्धा जिन्हें नहीं हुई है, चाहे जिन वचनों में श्रद्धा नहीं होने से नहीं हुई है, या जिन वचन तो सुन लिया, लेकिन जिन वचन सुन करके उसके अनुसार वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया, और स्वयं निर्णय नहीं किया जब तक विश्वास नहीं होता है, किसी के बारे में कोई सुना दे आपको और आपने सुन लिया, और सुन करके कभी कभी मान लेते हो, और कभी कहते हो तुम तो कह तो रहे हो लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है, जब मैं स्वयं आँखों से देखूंगा तब विश्वास करूंगा, बिना आँखों से देखे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, सुनी सुनाई बात पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं किया, देख कर विश्वास किया, तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सुन तो लिया, लेकिन सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करते, क्या करोगे कि देखोगे, तो वस्तु देखो ना, जिनवानी भी यही कह रही, ऐसा वस्तु स्वरूप है, ऐसे स्वयं देखो, स्वयं परखो, बिना परीक्षा किए मत मानो, जिनवानी भी कह रही, हमारे गुरु भी कह रहे, भगवान भी कहते हैं, मेरी बात कह करके मत समझो, मैंने कहा इसलिए मत मानो, स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय करके देखो, तो जो ये निर्णय कर लेता है वो दृष्टिवंत, और जो नहीं करता है वो दृग भंग, उसे दृग भंग कहा, वो इस बात को नहीं मानता, क्या स्वरूप है, कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, भाषा का प्रयोग भी करते हैं तो उसमें थोड़ी एक वो रखते हैं, कर्म की अवस्था से देखो तो अशुद्ध सा दिखता है, कर्म की अवस्था से देखोगे तो अशुद्ध सा दिखता है, कर्म कलंक सो रहित शुद्ध अंग है, और शुद्धता की बात कर रहे तब क्या कहते हैं, वो कर्म कलंक से रहित द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो शुद्ध है, वहां ये नहीं करते शुद्ध सा दिखता है, वो ये गुरुदेव की कभी विशेष महिमा करने के लिए अपनी बात कहते हैं, गुरुदेव ने जब ये अध्यात्म की चर्चा प्रारंभ की उसके पहले और उसके बाद, ये उसके पहले
आत्मा को शुद्ध कहते थे लेकिन मानते अशुद्ध थे। कहते थे हाँ शुद्ध है शुद्ध है, जिनवाणी में लिखा है तो हाँ शुद्ध होगा, लेकिन मानते कैसा थे कि वो तो अशुद्ध ही है। ये गुरुदेव ने शैली बदली, अब कहने लगे उसे अशुद्ध कहते हैं, है तो वह कैसा शुद्ध ही है। क्या अंतर हुआ दोनों में, क्या अंतर हुआ, ये दृष्टिकोण का अंतर हो गया। वो पर्याय दृष्टि को मुख्य कर रहे थे, वो कहते तो शुद्ध है, इसका मतलब वो शुद्धता की बात, द्रव्य स्वभाव की बात, शुद्ध नहीं की बात उसको गौण कर दिया, और है तो अशुद्ध, मानते अशुद्ध थे तो पर्याय कोई मुख्य कर रहे थे। अब गुरुदेव ने वो शुद्ध नहीं, वो द्रव्य का स्वभाव को मुख्य करना सिखाया, तो ये शुद्ध है कहते अशुद्ध है उसे। और गुरुदेव को भी ये भाषा जिनवाणी में से आई, ऐसे ऐसे कथन मिले तब तो आई। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, कर्म अवस्था में अशुद्ध सा दिखाई देता है, कर्म कलंक सो रहित शुद्ध अंग है। आप तो ये बताओ, अभी तो कहते हो इधर से अशुद्ध दिखता है, इधर से कहते हो शुद्ध है कैसा ये बताओ आप तो हमें। उभय नये प्रमाण समकाल शुद्धा शुद्ध रूप, वो दोनों ने प्रमाणिक है, ऐसा नहीं कह सकते हो। अभी तो कहा ना अशुद्ध सा दिखाई देता है, माने अशुद्ध नहीं हुआ है कैसा शुद्ध है। फिर कहते हो कि उभय नये प्रमाण, दोनों प्रमाणिक नये हैं, दोनों प्रमाण है, जब दोनों प्रमाण है तो अशुद्ध सा दिखता है, ये तो गलत बात हुई ना, कहाँ प्रमाणिक हुई, अशुद्ध सा दिखता है वो तो है नहीं, ये अशुद्ध सा क्यों दिख रहा है। कर्म अवस्था में, वह अवस्था में कर्मों का भले ही संयोग हुआ हो, एक क्षेत्रा का संबंध हुआ हो, ऐसे संबंध से उस समय अशुद्ध हो रहा है ना, तब तो अशुद्ध दिख रहा है। आकाश द्रव्य को किसी दृष्टि से अशुद्ध देख करके देखो बताओ, धर्म अधर्म और काल द्रव्य, चार द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है ना, अशुद्धता होती ही नहीं इनमें, किसी प्रकार से अशुद्धता नहीं होती, विचार करके देखो कैसे दिखेगी अशुद्धता। तो जीव और पुद्गल में अशुद्धता क्यों दिख रही है, अशुद्ध सा दिखता है लेकिन क्यों दिखता है, अशुद्ध हुआ है तब तो दिखता है ना, यदि अशुद्ध हुआ ही नहीं होता तो अशुद्ध सा दिखता क्यों। तो अशुद्ध सा दिख रहा है मतलब उस समय वो अशुद्ध है, ये बात प्रामाणिक है। अवस्था से देखेंगे, पर्याय से देखेंगे तो पर्याय में वर्तमान में अशुद्धता है, ये बात भी प्रमाण है। तो जब ये बात प्रमाण है तो ऐसा कहो ना वह अशुद्ध है और शुद्ध है, ऐसा कहो ना, ऐसा क्योंकि अशुद्ध सा दिखाई देता है तो वह शुद्ध, ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि हमें दृष्टि शुद्धता की तरफ लानी है, अशुद्धता से छुड़ाकर शुद्धता की तरफ लाना है, इसलिए कहा जाएगा। जब निश्चयाभासी शुद्ध मान करके स्वच्छंद होता है और वर्तमान में होने वाले रागादि परिणाम है ही नहीं मेरे, मैं इनका करता ही नहीं हूँ, मुझे तो बंद होता ही नहीं है, ऐसा मान करके स्वच्छंद होता है तब कहते हैं अरे वो द्रव्य स्वभाव से शुद्ध कहा है, तुम तो अभी अशुद्ध हो, अभी तो अशुद्ध हो, वे शुद्ध है ना, वो द्रव्य स्वभाव से शुद्ध कहा है, अब उसे ये कहते हैं शुद्ध कहा है, चूंकि वो एकांत पकड़ रहा है, वो उसके लिए अब ये मुख्य करना पड़ेगा। टोडरमल जी ने उपदेश के अब प्रकार कितने ध्यान नहीं आ रहे, वहाँ मेरे ख्याल से तीन विधियाँ बताई, तीन प्रकार के हैं, चार भी हो सकते हैं, अब लगा लेना ऐसे देखो। मात्र निश्चय का उपदेश, मात्र व्यवहार का उपदेश, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। अब व्यवहार सहित निश्चय का है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन तीन तो ख्याल में है। मात्र निश्चय का,
मात्र उपदेश का और निश्चय सहित व्यवहार का, मैंने ये निश्चय व्यवहार दृष्टांत भी दिया उन्होंने, किसको कौन सा उपदेश दिया जाएगा। कोई रोगी वैद्य के पास पहुंचा तो वैद्य उसको कौन सी औषधि देगा, करे उसका मर्ज देख करके देगा। यदि उसे शीत संबंधी अस्वस्थता हो रही है, बीमारी जो हो रही है शीत के कारण से हो रही, ठंड के कारण से हो रही है, तो उसे कौन सी औषधि देगा, गर्म औषधि देगा। और उसे गर्मी संबंधी उष्णता बाबत कुछ दिक्कत हो रही है तो उसे ठंडी औषधि दी जाएगी। और फिर आगे जैसा भी समझ लो, किसी को उष्णता से ठंड दी जाती होगी, ठंड से उष्णता दी जाती होगी, लेकिन ये उसका मर्ज देख करके क्या मर्ज हो रहा है, ऐसे ही वो किधर जा रहा है। बुद्धिस्टी कौन, गुरुदेव ने ये शैली क्यों अपनाई, सतगुरु वैद्य सुजान कहते हैं, सतगुरु वैद्य सुजान, सतगुरु को वैद्य कहते हैं, तो मर्ज बराबर जानते हैं कौन सी औषधि देना। तो अभी तो यही मर्ज फैल रहा है, हम तो संसारी है, हम तो दीनहीन है, हम तो रागी है, हम तो पापी है, हमारा तो कभी उद्धार हो ही नहीं सकता है। और उनके लिए कहते कि नहीं ऐसा नहीं, अरे तुम तो शुद्ध हो। उनको शुद्धता याद दिलाने के लिए ये शुद्धता को मुख्य करके कहते हैं, है शुद्ध वह कर्म की अवस्था से अशुद्ध जैसा दिखाई देता है, अशुद्ध हुआ नहीं है, लेकिन वह अशुद्धता भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी शुद्धता है। जितनी शुद्धता है उतनी अशुद्धता प्रामाणिक है, और जितनी अशुद्धता है उतनी शुद्धता प्रामाणिक है, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ा है। दोनों उभय नए प्रमाण आगे पीछे होते होंगे, अभी अशुद्ध होगा बाद में शुद्ध होता होगा, होगा फिर नहीं। समकाल शुद्धा शुद्ध रूप, एक ही समय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों स्वरूप है। ऐसो पर्यायधारी जीव नाना रंग है, ये पर्यायधारी जीव माने संसारी पर्याय में जब जीव है तब अशुद्ध भी है, स्वभाव से शुद्ध भी है, और प्रमाण से देखा जाए तो शुद्धा शुद्ध भी है। ऐसे नाना रंग, अनेक रंग उसके दिखाई देते हैं। अमृतचंद्र आचार्य तो अपना परिचय इस रूप में देते हैं, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। ये दोनों स्थितियाँ एक साथ, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, अरे वहाँ भी इस पर जोर है, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। तो पर्याय में परिणति, पर्याय भी मलिन हो रही है मोह के उदय के कारण से, वे तो मैं शुद्ध ही हूँ। ये दोनों स्थितियाँ तो दोनों एक साथ की आगे पीछे। यहाँ जो बात ली गई है, कर्म कलंक सो रहित तो शुद्ध अंग है, ये तो द्रव्य स्वभाव से शुद्ध और पर्याय की ओर से देखते हैं तो अशुद्ध है। ये गुरुदेव आगे लेने वाले हैं, साधक दशा में दोनों दशाएं एक साथ होती हैं, मिश्र दशा, उसी समय मलिनता उसी समय निर्मलता। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी उसके मलिनता भी और निर्मलता भी है। जब तक पूर्ण निर्मलता प्रकट नहीं हुई तब तक दोनों धाराएं एक साथ चलती है, तो शुद्धता भी और अशुद्धता भी। तो पर्याय में दोनों एक साथ है, इसकी बात तो लेंगे। यहाँ एक द्रव्य स्वभाव एक पर्याय स्वभाव लिया, एक ही समय में त्रिधा रूप पै तथापि या की अखंडित चेतना शक्ति सर्वंग है। एक साथ ये तीन रूप है, त्रिधा रूप, कौन कौन से तीन हो गए, बहिरातम अंतरातम परमातम, जीव त्रिधा है। कौन सी त्रिधा की बात है, शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध प्रमाण की अपेक्षा। ये तीन भले ही कहा तथापि अखंडित चेतना शक्ति सर्वंग है, ऐसा कह करके ये कहना चाहते हैं जब शुद्ध है तब तो चैतन्य रूप रहता ही है, लेकिन जब अशुद्ध होता है तब भी चैतन्यमय ही रहता है, चाहे जितना अशुद्ध होवे तब भी चैतन्यमय ही रहता है, चैतन्यता से रहित नहीं होता। अखंडित चेतना शक्ति सर्वंग है, सर्वांग चैतन्यमय है, अशुद्धता की दशा में वह तो सर्वांग चैतन्यमय है,
यह साधवाद, क्या अशुद्ध होते हुए भी शुद्ध कहते हो, शुद्ध हो फिर अशुद्ध कहते हो, यही तो साधवाद है। या को भेद साधवादी जाने, मूर्ख न माने जाको ही यो दृग भंग है। चले दूसरा छंद पढ़िए। नीचे दरव दृष्टि दीजे तब एक रूपम, गुण पर जाए भेद भाव सो बहुत है, असंख्य पर देश संजोगत सत्ता पर मान, ज्ञान की प्रभा सो लोकालोक मान, पर जैत रंग नीके अंग छिन भंगुर है, चेतना सकति सो अखंडित अच्युत है, सोहे जीव जगत विनायक जगत सार, जाकी मौज महिमा। किसी के भी भाव तक पहुंचना हो ना, तब तक माने तब वो कल्पना उसके तक पहुंचकर करेंगे, तब उसका पूरा अच्छी तरह से भाव ख्याल में आएगा। पंच कल्याणकों में पहले दिन दादा प्रवचन करते थे, ये बात कहते हैं, अभी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ प्रवचन में, उस पंच कल्याणक के समय में, तो वहाँ पहले दिन ही कहते हैं आपको इस पंच कल्याणक का पूरा आनंद लेना हो तो आप सब अपने आप को क्या निश्चित करो, क्या मानो। यदि आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक हो रहा है तो समझ लेना आप सब अयोध्यावासी हैं, और पंच कल्याणक के स्थान का नाम भी सब जगह अयोध्या नगर, यदि आदिनाथ का हो रहा होगा तो ये उस अयोध्या नगर ही नाम देते हैं। यदि आप अपने आप को अयोध्यावासी मान करके सुनो, समझो, ये पूरा देखो, आप तो ऐसा समझोगे कि हम कहाँ के जरोवा खेड़ा के हैं कि और कहाँ के हैं, ऐसा मान करके ही देखोगे तो फिर तो आपको नहीं आएगा ख्याल, हाँ ठीक है फिर देख रहे हो रहा है, कुछ तमाशा हो रहा है ऐसा लगेगा। आप उसके पार्ट बन करके महसूस नहीं करोगे, उसके बन करके आपको महसूस करना हो तो आपको मैं अयोध्यावासी हूँ, मानो यही घटित हो रहा है, मेरे सामने सब घटित हो रहा है, ये अनुभव करोगे। मैं यहाँ इसलिए कह रहा था, बनारसी दास जी ने छंद लिखा होगा तब उनके चित्त में आत्मा की महिमा कैसे हो रही होगी, कैसे आ रही होगी, जब उन्होंने शब्द लिखे, क्या शब्द लिखे, सो है जीव जगत विनायक। कैसा जीव है, जगत विनायक, जब इस शब्द का उन्होंने चयन किया होगा वो जीव द्रव्य के उनकी दृष्टि में क्या महिमा आ रही होगी। जगत विनायक, विनायक किसे कहते हैं मालूम है ना, राजस्थान वालों को तो जल्दी ख्याल में आएगा विनायक, क्योंकि यहाँ सबसे पहले विनायक पूजा होती है, कोई भी काम होगा तो सबसे पहले विनायक की पूजा, सबसे पहले सब जगह होती है। अभी कल अन्ना जी के साथ बैठे थे, बाहुबली जो सभी बैठे थे, कोई कहाँ कैसे क्या भजन चलते क्या चलते उसकी बात हो रही थी। तो महाराष्ट्र में मंगलाचरण सुबह सुबह शुरू होता है, प्रथम नमन गण राया इस रूप में लेकर के, वो तो हिंदुओं में गणपति की मुख्यता से ही करते हैं, लेकिन सबसे पहला नमन किसे, गणेश जी को, गणपति विनायक, वो सबसे पहले। कोई काम हो, शादी विवाह हो, तो सबसे पहला न्योता किसको, विनायक को। वो विनायक जी को नौकर न्योता देते देते आदत ऐसी हो गई कि अपने यहाँ भी सबसे पहला कार्ड लिखा जाने लगा श्री 1008 सीमंदर भगवान, वो भगवान को भी न्योता देने, मंदिर में कार्ड रख के जाते हैं तो भगवान को न्योता दे रहे हैं। वो विनायक चूंकि प्रथम पूज्य, और यहाँ तो विनायक का अर्थ कर रहे हैं, इधर हिंदी में आप देखेंगे जगत शिरोमणि, माने वो सर्वोत्कृष्ट जीव, सबसे उत्कृष्ट है और सबसे उत्कृष्ट भाषित होगा तो उसकी महिमा आएगी। 31, 32, 33 गाथा जहाँ निश्चय स्तुति की बात की ना, वहाँ वो ज्ञान स्वभाव के लिए कहा, ये भगवान ज्ञान स्वभाव,
माने सारे विश्व के ऊपर तैरता हो, वो भिन्नता लेते हुए पहले मानो सब विश्व के ऊपर तैरता हो ऐसा अधिक महसूस होता है। वो भगवान भी शब्द लगाया उसके साथ में, भगवान ज्ञान स्वभाव। यह जीव जगत विनायक, जगत सार, सारे जगत में सारभूत कौन, ये मैं जीव तत्व, मैं सारभूत हूँ। वो इसलिए सो है जीव जगत विनायक जगत सार, जाकी मौज महिमा अपार अद्भुत है। क्या उसकी मौज, क्या उसकी बात करे, वे जो उसमें लीन होकर के उसका आनंद लेते हैं उनको ही उसका आनंद आता है, वे उसका मजा लेते रहते हैं। सो मौज जाकी मौज महिमा अपार अद्भुत है, किस बात को लेकर के कह रहे हैं, ये विभिन्नता जो दिख रही है कैसे, नीचे दरव दृष्टि दीजे तब एक रूप, गुण पर जाए भेद भाव सो बहुत है। इधर द्रव्य दृष्टि से देखते हैं और द्रव्य दृष्टि व निश्चय की दृष्टि है, उधर से देखते हैं तब एक रूप, और गुण पर्यायों के भेद से देखते हैं, ये पर्यायार्थिक दृष्टि है, ये व्यवहार है, इससे देखते हैं बहुत है अनेक रूप है, तो जीव एक भी है और अनेक भी है। असंख्य परदेश संजुगत सत्ता प्रमाण, स्वक्षेत्र से देखा जाए तो आत्मा कैसा है, वह असंख्यात प्रदेश, उसकी सत्ता कहाँ कि उसके अपने असंख्यात प्रदेशों में, तो असंख्यात प्रदेश में उसकी सत्ता है। ज्ञान की प्रभासो लोकालोक मान युत है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो किस किस को जानता है, किस किस को देखता है, लोकालोक मान युत, मान माने प्रमाण, या मान मान अपमान वाला मान नहीं है, मान युत अभिमानी हो गया ऐसा नहीं, मान माने इतना प्रमाण वाला, इतना विस्तृत है, कितना सारे लोकालोक को सर्वगत लेते हैं ना, आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, हे ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है, आत्मा ज्ञान प्रमाण। तो यदि ज्ञान प्रमाण आत्मा है और ज्ञान आत्म प्रमाण है, ये दोनों यदि प्रमाण एक प्रमाण है, तो आत्मा तो उतना ही है जहाँ तक ज्ञान है, ज्ञान उतना ही जितना आत्मा है, माने द्रव्य तक सीमित, अपने द्रव्य तक सीमित है, और चूंकि वह असंख्यात प्रदेश ही है इसलिए असंख्यात प्रदेश तक ही उसकी सत्ता है। लेकिन ज्ञान कितना कैसा, वो कवियों के लिए ऐसा कहा जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसा कौन सी जगह होती जहाँ रवि नहीं पहुँच पाता है, रवि नहीं पहुँच पाता, मैंने यानी कोई कोई ऐसे घने जंगल होते हैं, इतने घने होते हैं वो सूरज की रोशनी कभी वहाँ तक पहुँचती नहीं है, लेकिन कवि कल्पना कर लेता है कि वहाँ क्या स्थिति होती होगी, कैसे होता होगा, असंभव कल्पनाएं करने में ऐसा कर सकते, अशक्य अनुष्ठान में ऐसा कर सकते हैं ना, क्या अभी मोदी जी कह रहे थे ना सबके खाते में कितने कितने रुपए आ जाएंगे, 10-10 हजार, इतने 10-10 हजार, मैं कहता हूँ सबको कितने किलो सोना चाहिए, बोलो कितने किलो, हाँ कितने, जितना कहो उतना बता देता हूँ, कितने, 10 किलो 100 किलो, 100-100 किलो सोना सबको मिलेगा, सबको पहुंचा देंगे, जब सुमेरु पर्वत के नीचे से सोना निकाल लेंगे तब। तो कभी कल्पना कर सकता है ना कि सुमेरु पर्वत के नीचे से वो सोना निकाल करके सबको 100-100 किलो बांट दिया जाए, निकाल करके कल्पना तो कर ही सकता है। वो ज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं, वो स्वयं वहाँ नहीं पहुँचे लेकिन ज्ञान की दृष्टि से पहुँचा ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही ज्ञान सारे लोकालोक को जानता है, असंख्यात प्रदेश तो लोक भी असंख्यात प्रदेश ही है ना, तो असंख्यात प्रदेश तो लोक प्रमाण तो हो सकता है, वो तो सिर्फ केवली समुद्घात की अपेक्षा होता है, केवली समुद्घात को छोड़कर। इसलिए आत्मा के 9 अधिकारों में, द्रव्य संग्रह में 9 अधिकारों में एक अधिकार, अधिकार माने एक विषय उसका
एक स्वरूप उसका ये है कि स्वदेह प्रमाण है, स्वदेह प्रमाण देह से अधिक नहीं है, वह कभी नहीं है देह से अधिक। इसलिए उस गाथा में भी ये कह दिया, अनुगुरु देह प्रमाणो उप संवार अप सप दो चेदा असमूह दो व्यवहारा, निश्चय ने दो असंख्य देश हो, निश्चय ने से असंख्यात प्रदेशी, लेकिन व्यवहार से देह प्रमाण असमूह दो, असमुद्घात की दशा में, क्योंकि समुद्घात जब करेगा वो देह से बाहर भी निकलता है, और केवली समुद्घात के समय तो लोकाकाश प्रमाण हो जाता है, तब भी लोकाकाश तक ही गया ना, अलोकाकाश में तो नहीं गया, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अलोकाकाश में भी चला जाता है, जो सर्वगत अलोकाकाश में भी, तो ज्ञान की प्रभासो लोकालोक मान युत है। दो बातें हुई, एक एक है अनेक है, दूसरा कहते हैं सीमित है अपने स्वभाव में अपने स्वरूप में सत्ता में, और एक विस्तृत है। तीसरी बात, परजय तरंगिणी के अंग क्षण भंगुर है, चेतना शक्ति सो अखंडित अच्युत है, उत्पाद वे ये जो पर्याय में तरंगे उठ रही है निरंतर, ये पर्याय की तरंगों से, समुद्र में लहरें उठती है, लहरें आई चली गई, ऐसे द्रव्य में पर्यायार्थिक ने से पर्याय से देखते हैं तो उत्पाद वे निरंतर चल रहा है, उसकी तरफ से देखा जाए तो क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है। चेतना शक्ति सो अखंडित अच्युत है, लेकिन चैतन्य शक्ति वो जैसे लहरें चाहे जितनी आए नष्ट होए चाहे जितनी, लेकिन वो जल रूप ही रहने वाली है, पानी नष्ट होने वाला नहीं है, पानी कहाँ जाएगा, पानी रूप ही रहेगा। वैसे ही उत्पाद वे कितना भी करे तो भी चैतन्यमय ही रहने वाला है। वो क्रमबद्ध पर्याय के लिए जो वाक्य लेते हैं अमृतचंद्र आचार्य की टीका का ही है, कौन सी गाथा 308 से 311, उस गाथा की टीका में जो लिखा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामैर उत्पद्यमानो जीव एव न जीवः, माने जीव चाहे जितने उत्पाद वे करता हुआ करे कितना भी तो क्या रहने वाला है, जीव ही रहने वाला है। तो पर्याय की अपेक्षा से क्षणभंगुर दिखे, लेकिन चैतन्य शक्ति से कैसा है, अखंडित अच्युत है, वह अखंड और कभी चैतन्य पने से च्युत नहीं होने वाला है, ये तीसरी बात हो गई। और सो है जीव, ऐसा जीव ऐसी विचित्रता लिए हुए जीव, जगत विनायक जगत सार, क्यों जगत शिरोमणि, क्यों, क्योंकि जीव बैठ करके अपने स्वरूप की बात कर रहा है, इसलिए जगत शिरोमणि कह रहा है। पुद्गलों की सभा लगी हो और पुद्गल पुद्गलों को समझा रहे हो तो क्या कहेंगे, उस समय क्या बताएंगे, कौन जगत शिरोमणि कौन है, सारे जगत में श्रेष्ठ कौन है, कौन बताएंगे वे। भंगियों की सभा हो रही थी, भंगी कह रहे थे जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कि हम ही लोग हैं, और क्यों, क्योंकि मोक्ष जाते हैं ना पार हो करके, उनके जो भी वैकुंठ जो मानते होंगे वो हम ही जा सकते हैं, ये बाकी लोग नहीं जा सकते हैं, कि क्यों, क्योंकि वो जाने का जो रास्ता है वो वैतरणी से होके जाता है, वैतरणी पार करना पड़ती है, और वैतरणी जो है बहुत गंदी मल से भरी हुई, और ये लोग तो थोड़ा सा मैल देखते ही नाक भो छकोड़ते हैं, रूमाल मुंह पे रख लेते हैं, देखते भी नहीं उधर, तो उसमें जाएंगे कैसे। अपन लोग तो रोज अपना यही काम है तो अपन तो फटाफट पार कर लेते हैं और चले जाते हैं, इसलिए हम पार होते हैं। तो साहब इनमें से भी तो कोई पार होते होंगे ना, क्या होते हैं हमारी कृपा से, कि कैसे सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं धूल उड़ती है तो थोड़ी बहुत इनके ऊपर भी जाती है, तो उस धूल के कारण से इनका भी उद्धार हो जाता है। तो बताओ कौन श्रेष्ठ है, कौन सी जाति श्रेष्ठ है, ऐसे यहाँ कह रहे होंगे ना, जीव जाति वाले बैठ करके विचार कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जीव जगत विनायक जगत सार। तो पुद्गल कहते होंगे
बताओ हमारे बिना किसका क्या चलता है, हमको अलग करके लोक की कल्पना करके तो देखो क्या होगा। वो अपने आप को ऐसा समझ रहा होगा ना, कि सारा जगत कुछ भी समझे, 31, 32, 33 गाथा में जैसा कहा, नान सहावादियम मुनदि आदम, ज्ञान स्वभाव से आत्मा अधिक है, वो ज्ञान स्वभाव के कारण से जगत विनायक जगत सार बना हुआ है, ज्ञान के कारण से। वो विशेषता किसी के पास नहीं है, तो किसी के पास नहीं तो उनकी अपनी अपनी विशेषताएं तो है ना, वो विशेषताएं तो होंगी, लेकिन वो सारी विशेषताएं है ये ज्ञान जानता है तो है, होंगी अपने आप में, लेकिन उनके होने का महत्व किस बात से है। लोक में कहा जाता है बद अच्छा बदनाम बुरा, क्या मतलब, बद अच्छा और बदनाम बुरा, माने वो बुरा कितना भी होवे कोई बात नहीं है, वो बुरा होवे चाहे जितना, लेकिन वो बुराई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वो पता चल गई तो गड़बड़ है, माने बद अच्छा है, बद कितना भी होवे वो बद से बदतर होवे, लेकिन बदनाम नहीं होना चाहिए, माने उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, बाहर आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो बद है ये जानेंगे तो लोगों को पता चलेगा ना, नहीं तो क्या मतलब है उसका। मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ, जगत में पांचों द्रव्य होते और जीव द्रव्य नहीं होता, कल्पना करो वो कैसा विश्व होता, जीव नहीं है पांचों द्रव्य है, कैसा विश्व होता वह बताओ कैसा होता, के लिए बताए कैसे है? जब जीव होता जानता तो बताता ना, अब जीव है ही नहीं उसमें तो कौन जानेगा, कौन बताएगा, कौन चर्चा करेगा, कैसे होगा। इसलिए है तो सब अपने अपने कारण से, लेकिन उनके है की सत्ता, उनके सबकी सत्ता भी जीव है इसलिए जानने में आ रही है, इसलिए जीव जगत विनायक है और जगत में वो सारभूत भी है। जाकि मौज महिमा अपार अद्भुत है, बोले अंतिम छंद बोली, विभाव सकति परिणति सो विकल दिसे शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है, धर्म संजोग सुख आवे गति जोनी नियचे स्वरूप सदा, ज्ञायक स्वभाव धरे लोकालोक पर घासी सत्ता परवान सत्ता पर घासवंत है, सोहे जीव जानत जहान कौतुक ठाकी कीर्ति कहानी अनादि अनंत है। जाकी कीर्ति कहानी अनादि अनंत है, कितनी कीर्ति करे, कितनी उसकी महिमा गाए, कितना वर्णन करे। विभाव शक्ति परिणति सो विकल दिशे, इसके विभाव रूप परिणमन, कषाय की बात की, कषाय कलिर एकतः, वो कषायों से मोह राग द्वेष से परिणत देखा जाए तो ये आकुल व्याकुल दिखाई देता है, यहाँ भी देखो उसे उधर से दिशे कहते हैं, ऐसा दिख रहा है। शुद्ध चेतना विचारते सहज संत है, जीव कैसा है, माने दुष्ट है कि अच्छा है, अरे संत है, सहज संत, शांत संत का शांत है, माने अकेला चैतन्यपना देखा जाए, वो चैतन्यपने में न मोह है न राग है न द्वेष है, और जब मोह राग द्वेष नहीं है तो आकुल व्याकुल भी नहीं है, इसलिए शांत है। कर्म संजोग सो कहावे गति जोनी वासी, ये चार गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, परिभ्रमण कर रहा है, ये किसके कारण, कर्म संजोग सो। पंडित ज्ञानचंद जी को उदाहरण देते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं ना, तो फुटबॉल यहाँ से लात मारती वहाँ चली जाती है, वहाँ से लात मारती इधर आती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कब तक लात खाती है, जब तक उसमें हवा भरी हुई है, हवा निकल गई तो फिर यहाँ से वहाँ नहीं घूमेगी, वो फिर एक तरफ पड़ी रहेगी कहीं नहीं। ऐसे कहते कर्म से भरा हुआ है ना, जब तक ये चार गतियों में 84 लाख योनियों में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमेगा, लेकिन वो कर्म की हवा निकल गई तो
तो वो सीधा ऊपर जाकर के फिर एक जगह स्थिर होगा, फिर यहां से वहां नहीं जा सकता है। तो कर्म संजोग सो कहां वे गति जोनी वासी, चार गति 84 लाख योनियों का वासी, ये कर्म के संयोग से कहाया जाता है। नीचे स्वरूप सदा मुकत महंत है, निश्चय से देखा जाए तो सदैव महान मुक्त ही है, सतु मुक्त एव। परमात्म प्रकाश का उद्धरण टोडरमल जी ने भी उसमें लिया मोक्षा प्रकाशक में, योगसार में भी है, जो बंधा मुक्त हुआ मानता है वो बंधता है, आत्मा को बंधा मुक्त हुआ बंधा मानता है, और मुक्त हुआ माने बाद में मुक्त होगा ऐसा मानता है तो बनता है, वो संसार में ही परिभ्रमण करेगा। तो क्या मानना चाहिए कि वह तो मुक्त ही है, बंधा ही नहीं आज तक, अबद्ध स्पृष्ट है, कर्मों से बंधता ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करता। तो निश्चय से स्वभाव से देखा जाए तो सदैव मुक्त है, सदा मुकत महंत है। तीसरी बात इसमें, ज्ञायक स्वभाव धरे लोकालोक परगासी, ज्ञायक स्वभाव से देखा जाए तो स्वपर प्रकाशक है, इसे सारे लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, सारे लोकालोक को जानने वाला, और सत्ता परवान सत्ता प्रगास बनते हैं। और सत्ता की दृष्टि से देखा जाए कि अकेले अपनी सत्ता को जानने वाला है, लोकालोक को जानने के लिए बाहर तो निकलता नहीं है, वो अपने अंदर ही रहता है, इसलिए अपने असंख्यात प्रदेश रूप जितनी सत्ता है उतने ही सत्ता में अपनी सत्ता को प्रकाशित कर रहा है। अभी बल्ब ये जो भी लगे हुए हैं ये किसको प्रकाशित कर रहे हैं, ये पूरे हॉल को प्रकाशित कर रहे हैं। कहाँ प्रकाशित कर रहे हैं, वे खुद अपने आप में प्रकाशित हो रहे हैं। कहले निश्चय से देखा जाए कि तो अपने आप में प्रकाशित है, और व्यवहार से कहे तो पूरे सबको प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे ज्ञायक स्वभाव सारे लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है, और निश्चय से देखा जाए अपनी सत्ता को, बस स्वयं प्रकाशमान है, दर्पण प्रतिबिंबित कर रहा है ना, क्या कर रहा है, वो तो स्वयं प्रकाश, स्वयं स्वच्छता रूप से परिणमित हो रहा है, तो उसमें सब प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सो है जीव जानत जहान कौतुक महान, ऐसा जीव है जानत जहान माने सारे जहां को जानता है, माने संपूर्ण सर्वज्ञ है, पूर्ण जानने की शक्ति वाला है, और कौतुक महान उसके जितना आश्चर्य, कौतुक माने आश्चर्य, ये महान आश्चर्य ऐसी विपरीतता वस्तु में एक साथ पाई जाती है। कुछ विशेषताओं की चर्चा की है, लेकिन कितनी चर्चा की जाए, जाकी कीर्ति कहानी अनादि अनंत है, अनादि अनंत कीर्ति है। सर्वार सिद्धि के देव कहते हैं, चर्चा करते हैं, और एक चर्चा रिपीट नहीं होती और करते रहते हैं, फिर ऐसी विशेषताएं भरी हुई है कि उसकी चर्चा निरंतर चलती रहे। प्रवचन सार का अंतिम कलश है, अंतिम से पहले होगा, अंतिम तो ये शास्त्र की रचना मैंने नहीं की है, वो लिखते हैं, अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं। केवल ये जितना वर्णन किया ना तत्व का, ये तो सब वो खा गया, कुछ नहीं बचा, माने वो कितना भी वर्णन किया जाए, वो वस्तु स्वरूप वस्तु तत्व इतना महान है कि शब्दों से पार नहीं हो सकता, नहीं कहा जा सकता, बहुत अल्प शब्दों में आता है बहुत महान, इसलिए कीर्ति कहानी अनादि अनंत है, बहुत अल्प उसके वर्णन किया जाता है। ऐसा अपना आत्मस्वरूप, उसकी महिमा अपने को आवे, उसका आश्रय करें, तो हम स्वयं भी निराकुल सुख और शांति प्राप्त करें।